गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं। 99 दिन आज हो चुका है, वहीं 100वें दिन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है किसानों की तरफ से। क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति की अगर बात की जाए तो राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि इस बार राकेश टिकैत का आह्वान किया गया है कि नवयुवक जो है वो आगे आए और इस आंदोलन में शामिल हों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा जुड़ा है ऐसे और किसानों के परिवारों से। तो कहीं ना कहीं ये राकेश टिकैत ने आह्वान किया खुद मंच पर खड़े होकर कि जो युवा है वो आगे आए और कहीं ना कहीं वो हर तरीके से पूरी तरीके से आंदोलन की कमान संभालें। आपको बता दें, यूपी गेट में लगातार 100वें दिन हो चुका है, जिस तरीके से कल पूरी तरीके से 100वां दिन हो जाएगा और यूपी गेट पर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं वो तो चल ही रहा है लगातार, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं किसानों की संख्या में कमी आई है। जबकि मंच पर गानों के प्रोग्राम हो रहे हैं और अगर बात की जाए यूपी गेट की तो वहां पर कुश्ती के प्रोग्राम हो रहे हैं। किसान जो वहां पर रुके हुए हैं उनके मन को लुभाने के लिए, टाइम पास करने के लिए कई तरीके की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। बावजूद इसके वहां पर किसानों की लगातार संख्या कम हो रही है। राकेश टिकैत और उनके साथी कई अन्य जिलों में जाकर महापंचायतें कर रहे हैं और अब ये कहा गया है कि मुजफ्फरनगर से चलकर ट्रैक्टर रैली कई जिलों में जाएगी और 27 मार्च तक लगातार ट्रैक्टर रैली का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर राकेश टिकैत कई अन्य जिलों में जाकर महापंचायतें कर रहे हैं और कई जगह पर इस आंदोलन में तेजी लाने की बात कही गई है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से यूपी गेट पर पहले इस आंदोलन में तेजी देखी गई थी और संख्या में बढ़ोतरी देखी गई थी, वो कहीं ना कहीं कम हुई है मोनिका। और राकेश टिकैत ज्यादातर यूपी गेट पर नहीं बल्कि कई अन्य जिलों में लगातार दौरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और जितेंद्र, क्योंकि ये भी बताया गया है कि यूपी और उत्तराखंड के 16 जिलों के किसान इसमें शामिल होंगे, तो यानी कि बड़ी संख्या में किसान हैं जो कि ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे, तो प्रशासन को भी अपनी पूरी तैयारी करनी होगी। देखिए, ये कहा गया है कि यूपी उत्तराखंड और कई जिस तरीके के जिले हैं और खासतौर से यूपी और उत्तराखंड के लोगों ने ही अपना इस आंदोलन में काफी भागीदारी दिखाई थी, तो इस बार यूपी उत्तराखंड के 16 जिले इसमें शामिल होंगे और उनकी संख्या बढ़ सकती है। हालांकि जिस तरीके से अभी गर्मी की शुरुआत हुई है उसमें यूपी गेट पर कहीं ना कहीं किसानों की संख्या कम हुई है और अब जिस तरीके की बात कही गई है कई अन्य जिलों की, यानी कि दिल्ली से दूर कई अन्य जिलों की बात की गई है, तो वहां पर तो आंदोलन की बयार तेज हुई है और महापंचायत भी लगातार वहां पर महापंचायत हो रही है और उनकी संख्या, जो लोग वहां पर जुट रहे हैं उनकी संख्या भी काफी है। तो कुल मिलाकर जो आंदोलन है, आंदोलन में जुटने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और आंदोलन में शामिल होने की बात कर रहे हैं। इसका बड़ा प्रभाव जितेंद्र पड़ सकता है, क्योंकि 27 मार्च को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर ये जो ट्रैक्टर मार्च है खत्म होगा, यानी कि एक लंबा समय होगा इस बीच के ट्रैक्टर मार्च जो है वो चलता रहेगा। साफ तौर पर जाहिर है कि इसका बड़ा प्रभाव भी पड़ सकता है जनता पर या फिर ट्रैफिक जाम की समस्या, ये तमाम चीजें। देखिए मनीषा, इस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि यूपी गेट पर आंदोलन बिल्कुल काम हो रहा है और लगातार यूपी गेट पर और तमाम जगहों पर किसान लगातार बने हुए हैं और इसको देखते हुए किसानों की संख्या पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद किसानों का मनोबल कहीं ना कहीं कम हुआ है और उनकी संख्या भी कम हुई है। आमजन की अगर बात की जाए तो आमजन भी लगातार इसमें भागीदारी कर रहे थे, लेकिन अब उनकी भी संख्या कम हुई है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके के हालात यूपी गेट पर बने हुए उससे आमजन वाकई काफी परेशान है, क्योंकि वो एक बीच की जगह है। यानी कि कुल मिलाकर गाजियाबाद के यूपी गेट की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाले जो कामकाजी लोग हैं उनको खासा परेशानी हो रही है, वो कई किलोमीटर घूम कर जा रहे हैं और ऐसे में आमजन काफी परेशान है। हालांकि इसका हल निकालने वाली बात कही गई थी, सरकार से बात हुई थी, केंद्र सरकार की लगातार किसानों से बात हो रही थी, लेकिन वार्ताओं का दौर अब बिल्कुल थम चुका है और अब कोई भी ऐसी वार्ता नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर किसान अब ये जान चुके हैं कि सरकार भी पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है और इस आंदोलन में तेजी जिस तरीके की लाने की बात कही गई है, तो यूपी गेट पर तो तेजी की बात अगर की जाए तो वो कहीं ना कहीं कम हुई है, लेकिन कई अन्य जिलों में लगातार वहां पंचायतें हो रही हैं। राकेश टिकैत तमाम अपने साथियों के साथ में वहां पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, और इस बीच ये भी देखा जा रहा है कि राकेश टिकैत की तरफ से बड़े बयान भी दिए जा रहे हैं, उन्होंने युवाओं से कहा है कि बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए तैयार रहे, तो कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है क्या? इससे माहौल खराब नहीं होगा?
देखिए अगर ये बात की जाए कि राकेश टिकैत का जो बयान आया है ये कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि पहले भी जिस तरीके का बयान आया था, लाठी डंडे लेकर चलने की बात कही गई थी, उसमें भी एक बड़ा बवाल हुआ था, और अब राकेश टिकैत ने युवाओं को आगे करके बैरिकेडिंग तोड़ने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं ये बेहद चिंताजनक है। और इस बार अगर कोई बड़ा बवाल होता है तो जाहिर तौर पर राकेश टिकैत का नाम तो इसमें सामने आएगा ही आएगा, लेकिन इस बार राकेश टिकैत सफाई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पहले भी एक बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन उस बवाल के दौरान जब सरकार ने कड़ा रुख इख्तियार करके कही थी और गिरफ्तारी की बात कही थी, तो कहीं ना कहीं मंच पर राकेश टिकैत पहुंचे थे और उनके आंसू निकले थे, और उस दौरान ये जो आंदोलन है इसकी बयार और तेज हुई थी। कुल मिलाकर राकेश टिकैत के उस आंदोलन में उस समय बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके अब जब आंदोलन में तेजी कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है तो वे बेहद चिंताजनक है। हालांकि राकेश टिकैत लगातार बाहर जाकर महापंचायत बिल्कुल, और इसको लेकर नई नई रणनीति भी बनाई जा रही है। जितेंद्र आऊंगे आपके पास, फल कुमार भी जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। फल कुमार, ट्रैक्टर मार्च की तैयारी अब हो रही है, 100वें दिन को लेकर नई रणनीति यहां पर तैयार हो रही है किसानों की तरफ से, मुजफ्फरनगर से खासकर रामराज।